ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आगामी लोकसभा चुनाव में वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। AIMIM प्रमुख अपने संसदीय क्षेत्र हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद को देश की सबसे पुरानी पार्टी के शासन में ध्वस्त किया गया था। उन्होंने कहा, मैं आपके नेता यानी कि राहुल गांधी को चुनौती दे रहा हूं कि वह वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़ें। आप बड़े बड़े बयान देते रहते हैं, मैदान में आते हैं और मेरे खिलाफ लड़ते हैं। कांग्रेस के लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन मैं तैयार हूं। उन्होंने आगे कहा कि बाबरी मस्जिद और सचिवालय की मस्जिद को कांग्रेस के शासन में ध्वस्त कर दिया गया था। गौरतलब है, तेलंगाना में कांग्रेस और AIMIM के बीच टकराव चल रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियां इस साल के अंत में होने वाले राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में शीर्ष पर पहुंचने के लिए जोर आजमाइश कर रही हैं। इस महीने की शुरुआत में राहुल गांधी ने तेलंगाना के तुक्कुगुड्डा में विजय भैरी सभा में बोलते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी, भारत राष्ट्र समिति और AIMIM तेलंगाना में एक साथ काम कर रहे हैं और उनकी पार्टी इस तिकड़ी के खिलाफ लड़ रही है। इस दौरान ओवैसी ने महिला आरक्षण को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और लालू यादव की पार्टी RJD के नेता सांसद में मुसलमानों का नाम लेने से डरते हैं। मैं खड़ा हुआ और कहा कि मुस्लिम और OBC महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। वे मुझसे कहते रहते हैं कि मैं महिलाओं के खिलाफ हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि आप महिलाओं, OBC और मुसलमानों के खिलाफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।